हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, आज का टॉपिक है फंजाई टॉपिक, जिसे हम पंजाबी में उल्ली बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है क्लास नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है, चैप्टर सेवन्थ का टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज़ फंजाई, जिसे हम बोलते हैं उल्ली। तो बच्चे, वी नो वेरी वेल कि जो फंजाई है, ठीक है, इट लैक क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। चाहे हम इसे बोलते हैं कि ये प्लांट्स की कैटेगरी में आती है, उल्ली जो है प्लांट्स की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होती। तो क्लोरोफिल नहीं होती, इट मीन्स इट इज़ नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो इट इज़ हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, राइट। तो हेटरोट्रॉफिक इन नेचर क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, अपनी बॉडी में खुद वो बना नहीं सकता, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट मीन जो फंजाई है, उल्ली है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो अब आप ये भी देखते होंगे, आपके घरों में जो भी फूड है या मटेरियल है, कुछ भी है, जो खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड हो गया, चपाती होगी, कुछ भी हो गया, ठीक है जी, जो बहुत डेज से हम उसे नहीं यूज़ करते, वैसे पड़ी रहती है, 10 डेज़ हो गए, 15 डेज़ हो गए, तो आप वहाँ पर उसकी सरफेस के ऊपर क्या देखोगे? एक ग्रीनिश कलर का मटीरियल देखोगे, उसे हम बोलते हैं उल्ली, ठीक है, फंजाई, ठीक है जी। सो दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड द सेप्रोफाइट्स। मीन जो फंजाई है, उल्ली है, वो जितनी भी गली सड़ी चीज़ें होंगी, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो भी डिकेइंग मीन गली सड़ी चीज़, कोई भी, ठीक है जी, तो उसे यूज़ करती है। और वो वाले ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, उसकी ये न्यूट्रिशन है, उस ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। इज दैट क्लियर? सो जो फंगस है, उल्ली है, ठीक है, जो इसकी बॉडी की सबसे बाहर वाली वॉल है, ठीक है जी, दैट इज मेड अप ऑफ काइटन। 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया। अगर आपको पूछा गया कि जो फंजाई है, उल्ली है, उसकी जो बाहर वाली वॉल है वो किससे बनी है, तो आपके बोलोगे काइटिन बोलोगे। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? मशरूम। तो नेक्स्ट वन है, द फंगल स्पीशीज लिव इन परमानेंटली एसोसिएशन डिपेंडेंट रिलेशन विद द ब्लू ग्रीन एल्गी, सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सिम्बियोटिक एंड दी सिम्बियोटिक लाइफ फॉर्म द लाइकन। तो बच्चे, पहले भी किया हुआ है हमने, लाइकन्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो लाइकन्स क्या है? फंगस प्लस एल्गी का मिक्सचर, इसका एसोसिएशन, इसका आपस में रिश्ता, ठीक है जी। तो फंगस जो है, जब वो परमानेंटली एल्गी के साथ होती है, ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों के रिलेशनशिप को, इन दोनों के एसोसिएशन को, रिश्ते को हम क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं, LICHEN, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकन आ जाते हैं आपको एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइकन क्या है। जब फंगस, उल्ली, एल्गी मीन्स स्काई, जहाँ पर भी आप पानी देखोगे, ठीक है, रास्ते में खड़ा हुआ पानी है, तो आप वहाँ पर एक ग्रीन कलर की अपेयरेंस देखोगे, ग्रीन कलर का मटेरियल देखोगे, जस्ट लाइक ए ग्रास टाइप स्ट्रक्चर, तो उसे हम बोलते हैं काई, दैट इज एल्गी। तो इन दोनों के आपस के रिश्ते को, एसोसिएशन को क्या बोलते हैं हम? लाइकन बोलते हैं। और इसके रिश्ते को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। नेम वर्ड हो गया लाइकन, कि इस ऑर्गेनिज्म को हम लाइकन बोलेंगे, लेकिन इनके रिलेशनशिप को, इसके रिश्ते को क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक। तो आपको पता होना चाहिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, टू ऑर्गेनिजम्स मीन्स फंगस एंड एल्गी, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और साथ में इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, बेनिफिट देते हैं, कभी हार्म नहीं पहुंचाते। सो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन और यूनियन इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन और सिम्बायोटिक यूनियन। तो इट मीन्स जो फंगस एंड एल्गी है, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा डेफिनेटली क्या करेंगी? एक दूसरे को बेनिफिट ही देंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी हार्म नहीं पहुंचाएंगी, नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, एक दूसरे का बोल सकते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचेंगी। तो इस टाइप के एसोसिएशन को के बोलते हैं फ्रेंडशिप। लेकिन इन केस ऑफ लाइकन, सो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोटिक यूनियन, इन विच टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज
लिव टूगेदर गिव बेनिफिट टू ईच अदर बट डू नॉट हार्म, दैट इज नोन एज लाइकन. तो ये हो गया हमारे पास फंगस. तो नेक्स्ट वन है बच्चे प्लांटे किंगडम. हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर. प्लांटे मीन्स प्लांट, कोई घबराने वाली बात नहीं कि ये प्लांटे क्या है. ठीक है जी, प्लांट्स. तो प्लांटे में हम वो वाले ऑर्गेनिजम्स करेंगे, वो वाली स्पीशीज करेंगे जो प्लांट्स की कैटेगरी में आती है. तो डेफिनेटली जो भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है जी, जिसे हम पंजाबी बहुसेली जीव बोलते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं. तो उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और दैट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल. इसकी जो बाहर की वॉल है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल. और प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में तो सभी को पता है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है. तो क्लोरोफिल होगी तो डेफिनेटली उसका कलर क्या होएगा, ग्रीन कलर होएगा प्लांट्स का. इट मीन्स द प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिसे बोलते हैं. ठीक है जी, तो ये हो गया प्लांटे. तो नेक्स्ट वन है बच्चे एनिमेलिया. एनिमेलिया मीन्स एनिमल की कैटेगरी में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो भी सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एनिमल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती. ठीक है जी, तो बच्चे आपने हमेशा याद रखना है, सेल चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो आप डायग्राम देखोगे जब प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, आपके टीचर्स आपको हमेशा बताते हैं कि जो प्लांट सेल है उसकी जो बाहर वाली वॉल है, ठीक है, दैट इज सेल वॉल. तो आप प्लांट्स को टच करके देखोगे, डेफिनेटली वो क्या होएगा, उसकी बॉडी हार्ड आपको फील होएगी. तो आप अपनी बॉडी को, आप अपनी स्किन को टच करके देखोगे, आपको सॉफ्ट लगेगी. इट मीन्स क्या है, जो प्लांट्स हैं उसकी जो बाहर वाली वॉल है दैट इज सेल वॉल, विच इज़ हार्ड, रिजिड, मजबूत होती है. लेकिन जो हमारी एनिमल्स की कैटेगरी, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे में बाहर सेल वॉल नहीं होती, सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. तो इट इज़ हेटरोट्रॉफिक इन नेचर. वी नो वेरी वेल कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर तो क्लोरोफिल नहीं होता. इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. उसके अंदर तो क्लोरोफिल नहीं होएगा, तो डेफिनेटली क्या होएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होएगा. तो इसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं बच्चे. एक तो है जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं हेटरोट्रॉफिक, मीन्स एनिमल्स की कैटेगरी में, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. एंड यूकैरियोट्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेल, एक सेल जीव और बहुसेली जीव. तो जो यूनिसेलुलर है उसके अंदर आते हैं बच्चे प्रोटिस्ट, एंड जो मल्टीसेलुलर है, टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. तो जो विदाउट सेल वॉल है वो कौन से हैं, एनिमल, एनिमेलिया, राइट जी. और जो विद सेल वॉल के होंगे उसके अंदर डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट इज फंजाई, फंगस, उल्ली, एंड एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लांट. तो आप बच्चे ये वाला चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है जी, आपको आसानी होगी. तो बच्चे ये डेफिनेटली करना, फंगस दैट इज उल्ली, ठीक है. उसके बाद हमने सिंपल कैरेक्टरिस्टिक किए प्लांटे एंड एनिमलिया किंगडम के. सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक. थैंक यू.